संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद खास करके अगर देखा जाए तो मांझी समाज और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उनका सीधे मानना है कि हमें सम्मान नहीं दिया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं संतोष मांझी ने भी इन बातों का खुलासा किया था कि हमें उस लायक समझा ही नहीं गया कि हम उस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं या 23 तारीख की मीटिंग में हम शामिल हों, तो ऐसी स्थिति में हमारा बाहर निकलना ही ज़्यादा श्रेयस्कर था। उन्होंने कहा कि हम समाप्त होने से पहले अपने आप को बचाने की जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हमने नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है। इसके बाद तो कार्यकर्ताओं को एक खुली आज़ादी मिल गई। कार्यकर्ता लगातार अब जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के आवास पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं का मानना यह है कि यह फैसला सही समय पर सही फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से खुद हाशिए पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी तरह से उनके साथ जो लोग रहेंगे वो भी हाशिए पर चले जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार उनके करीबी अलग होते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आने की हिम्मत दिखाई थी और उनमें पूरी तरह से भक्ति और आस्था दिखाया था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के से मिल करके जब वो बाहर निकले तो उन्होंने उन सारी बातों को बंद कमरे में जो हुई उसे अपने अंदर जज कर लिया और एक नई बात कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नीतीश कुमार के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। उन्होंने सीट शेयरिंग के सवाल पर भी साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार जी का फैसला होगा वो उन्हें मान्य है। लेकिन 2 दिन के बाद जिस तरह से कई बातें खुल करके सामने आने लगी, हमने भी खबरों में आपको बताया था, उन सारी चीज़ों को अब कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके संतोष सुमन ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसके बाद से कार्यकर्ताओं को अगर देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि संतोष मांझी के साथ किस मजबूती के साथ कार्यकर्ता खड़े हैं। संतोष मांझी और जीतन राम मांझी के आवास पर क्या है नज़ारा, आप देखिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल कुमार के रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम हैं जीतन राम मांझी के आवास पर। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार जी के लिए भी यह बहुत बड़ा झटका है कि जहाँ विपक्षी एकता की कवायद कर रहे थे, वहाँ जहाँ आप 18 दलों की मीटिंग कर रहे थे, 23 तारीख को जो प्रस्तावित मीटिंग है पटना में, वैसे में जब 7 दलों का गठबंधन जिसके लेकर के बिहार में सरकार चल रही है, जब उसको ही आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो आगे क्या माना जाए कि विपक्षी एकता कैसे बरकरार रहेगी। देखिए, जीतन राम मांझी के आवास पर पूरा गहमा गहमी का आलम है और पटना के सारे मीडिया हाउस यहाँ पर, जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई, लगातार हम भी शुरू से कहते आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है वह नाराज चल रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि राजनीति में आखिरी क्षण तक उस बात को छिपाया जाता है जब तक संभव हो, लेकिन इसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के मामले में हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, लेकिन अचानक से यह खबर आई कि उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि जिस RJD के खिलाफ आपको जनता ने चुना था उसी के साथ गए हैं। और यही बात जीतन राम मांझी के साथ भी आई है। हालांकि एक बात जो स्पष्ट है कि अभी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में बने हुए हैं, लेकिन यह कहना, यह मलहम लगाना अलग बात है। इतना तय है कि जीतन राम मांझी के बेटे ने जिस प्रकार से आज इस्तीफा दिया है, कल के डेट में आप सुन सकते हैं 2-4 दिन के अंदर निश्चित तौर पर जो हमारा अनुमान है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ेंगे और इनकी NDA से प्रधानमंत्री मोदी से डील पक्की है। और लगातार हम लोग इस बातों को कह रहे हैं कि डील पक्की है, सिर्फ उधर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और आज जब ग्रीन सिग्नल मिल गया तो इस्तीफा दे करके बिहार की राजनीति में आज हलचल मचा दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। और 23 तारीख को जो यहाँ पर विपक्ष की बैठक होने वाली है, वह बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है, आगे क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।